ठाकुर साहब की ओर से एक बड़ी माला का आयोजन है, उससे स्वागत तो कर ही दें, ले आए। और बाकी लोग जो हमारे युवा मोर्चा सीएमओ साहब मिश्रा जी, आप भी आ जाए। आप लोग तालियां बजाए बड़ी माला के साथ जोरदारी से। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नगर पंचायत की ओर से स्वागत किया गया। बिना किसी भूमिका के आप जिन्हें सुनने के लिए उत्सुक हैं और जिनका समय बहुत कीमती है, मैं आग्रह करता हूं आदरणीय भैया से कि हमें मार्गदर्शन दें। आदरणीय भाई साहब, एक जिन ने मास्क गले में लटका रखा है वो गले पे ना लटका है, तो गले में लटकाने के लिए नहीं है, नाक और मुंह पे लगाने के लिए है, तो अपने उचित स्थान पर ही लगाए। मैं तो बोल रहा हूं इसलिए मैंने निकाला है अभी। हमारे लोकप्रिय नेता, प्रदेश के वरिष्ठ नेता और लोकप्रिय सांसद आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, जिले के हमारे अध्यक्ष आदरणीय रवि मालवी जी, हमारे पूर्व विधायक और यशस्वी नेता भाई राजेंद्र सिंह जी, भाई आसाराम यादव जी, भाई महेश उपाध्याय जी, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। अच्छा, मुझे तो ये पता था कि कार्यक्रम इतने लोग हैं तो कार्यक्रम हो गया, तो मुझे इतने कहा कि नहीं नहीं अभी तो बाहर और है, समय तय करके कभी और फिर विस्तार से कार्यक्रम जरूर करेंगे। लेकिन आपके आशीर्वाद, देखो ये मैं तो एक बात साफ कहता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह के। और इसलिए जब मैंने जनता को प्रणाम किया तो कांग्रेस के नेताओं का ये मुख्यमंत्री ने तो घुटने टेक दिए। एक बात मैं साफ कहता हूं कि जनता के सामने शिवराज हमेशा जनता को प्रणाम करेगा और घुटना टेकेगा, क्योंकि जनता मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन आजकल आप चारों तरफ माहौल देख रहे होंगे, गुंडागर्दी करने वाले, बदमाशी करने वाले, माफिया रसूखदार, धौंस जमाने वाले, भोपाल से लेकर इंदौर जबलपुर ग्वालियर तक देख लो, सबको लाइन में लगा दिया, कोई के मकान अवैध कब्जे टूट रहे हैं, कोई की गुंडागर्दी कुचली जा रही है, कोई जेल भेजा जा रहा है। मैं जनता के हक कुचलने वाले और जनता का शोषण करके गुलछर्रे उड़ाने वाले किसी बदमाश को नहीं छोड़ूंगा। और जब पाखंडियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही, गुंडों और दुष्टों के खिलाफ कार्रवाई हो रही, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और मेरा साफ कहना है कि वो या तो सुधर जाए या मध्य प्रदेश छोड़ दें, मैं उनको अगर उन्हें जनता के साथ गड़बड़ की तो नहीं छोड़ूंगा किसी भी कीमत, क्योंकि भाई बिन प्रीति भी तो नहीं होती, क्या करूं। तो पाखंडियों पर इस समय सामत आई नहीं। जहां तक जनता का सवाल है, फिर भैया आ गया, 15 महीना का वनवास था, खत्म हो गया, और जनता ने ऐसा जिताया। अच्छा, सीटें अपनी तो थी नहीं, तो सब की सब कांग्रेस की थी, अपनी थोड़ी थी, लेकिन अब बताओ सांची में 64,000 वोट से जीत गए, कहीं 58,000, कहीं 53,000, कहीं 57,000, कहीं 43,000 जनता ने दिया, तो फिर छप्पर फाड़ के दिया। लेकिन मेरा भी यह वचन है, न केवल सायगंज बुधनी में, नपलागंज रहटी में, बख्तरा में, बल्कि पूरे प्रदेश की जनता की सेवा के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
आम आदमी की सेवक रहेगी ये सरकार। और ये भैया जितनी योजना बंद कर दी थी मेरी बहने बैठी इतनी बड़ी संख्या में, आज जब मैं उधर था तो फूलों की वर्षा करके उन्हें स्वागत किया। भैया भी तुम्हें वचन देता है, तुमने फूल की वर्षा करके स्वागत किया, भैया आपकी जिंदगी में कांटे नहीं रहने देगा। बंद योजना सारी चालू कर रहा हूं, कोरोना की करती है क्योंकि बजट बीच में काम धंधे ही बंद हो गए तो आ ही नहीं, लेकिन फिर भी गरीबों के खाते में पैसा डालना, किसानों के खाते में पैसा डालना भी 3 तारीख को 5 लाख किसानों के खाते में फिर मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि की राशि डालूंगा। और जो फैसला किया है हर किसान को साल में 10,000 रुपया मिलेंगे, 1 एकड़ जमीन और 1/2 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन, ताकि दिक्कत और परेशानी उसको ना हो। और गरीबों की संबल योजना फिर चालू, संबल अब फिर गति पकड़ेगी क्योंकि इनने तो कांग्रेस ने तो कफन के पैसा तक छीन लिए थे 5,000 रुपया। बेटियों की शादी करके उनकी राशि तक नहीं दी थी, अब वो सारी योजनाएं फिर से चालू कर रहा हूं ताकि दिक्कत मेरी बहनों को ना हो, भांजे भांजियों की ना हो, बच्चों को पढ़ाओ को। जो गरीब बेटा बेटी है संबल वाले, सबकी फीस मामा भरवाएगा, चाहे मेडिकल कॉलेज की हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की हो, चाहे IIT की हो, चाहे IIM की। सारी जो योजनाएं हैं मैं फिर से चालू कर रहा हूं, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। उन्हें विकास के एक काम नहीं किए, अपने यहां के सारे काम बंद, आपने सही का कंकड़ नहीं लगाया एक, लेकिन विकास के काम भी फिर से चालू होंगे। आज चूंकि 3 बजे मेरी कोरोना की बैठक है भोपाल में, उस बैठक में मुझे जाना है, फिर और भी काम है, लेकिन आज एक बार फिर क्योंकि आपके आशीर्वाद से आपने मुझे विधायक बनाया, आपने सांसद बनाया और आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना, इसलिए फिर दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ और वचन देता हूं कि जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अगली बार जब कार्यक्रम रखेंगे जनता के बीच में तब विस्तार से भाषण दूंगा। अभी कई भाई बहन ऐसे होंगे जो समस्याओं के लिए, अपने समाधान के लिए आए होंगे। यहाँ पे प्रशासन के लोग कौन है, कलेक्टर का है, आ जाए जरा, कलेक्टर, CO, जिला पंचायत जरूरी आ जाए। कौन कौन के हाथ में आवेदन है जरा बताएं, आवेदन वाले कौन कौन है, ये सारे आवेदन इकट्ठे करके यहाँ लाए भैया, फटाफट मैं अभी देता हूँ, सब इकट्ठे कर ले, कुछ आ गए कुछ बाकी देते, सब आवेदन नहीं यहाँ चाहिए ताकि यहाँ पे कलेक्टर और बाकी अधिकारी इनका निराकरण कर सके। ले आ जाए यहाँ जाए, कोई इकट्ठे करके लाते जाए। हाँ कलेक्ट करके यहाँ ले आए फटाफट।